आईपीएल के प्लेऑफ से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले पर हर किसी का फोकस है। हर कोई इस मैच का इंतजार कर रहा है क्योंकि इसी मैच के रिजल्ट से प्लेऑफ की चौथी टीम तय होगी। क्वालिफिकेशन की दौड़ अब अपने आखिरी चरम पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच रद्द होते ही अपना टिकट कटा लिया है। प्लेऑफ को अब बस चौथी टीम का इंतजार है। 18 मई यानी शनिवार को आरसीबी बनाम सीएसके का मुकाबला प्लेऑफ से पहले वर्चुअल नॉकआउट साबित होगा। हालांकि दोनों टीमों के लिए हालात थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईएमडी के अनुसार बेंगलुरु को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है और राज्य में 22 मई तक बारिश की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा है कि 16, 17 और 19 मई को राज्य में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। 18 मई को भी मौसम का पूर्वानुमान बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये सही साबित हुआ और बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका तो ये होम टीम यानी आरसीबी के फैंस के लिए एक बड़ा झटका होगा। अगर मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब है कि सीएसके 14 मैचों में 15 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ की दौड़ में आगे। आरसीबी के लिए दुखद होगा क्योंकि उनके पास 14 मैचों में 13 अंक हैं। सीएसके के खिलाफ उन्हें कम से कम 18 रन या फिर 2 ओवर के अंतर से जीतना है, और जब मैच ही नहीं होगा तो ये सारी बात खत्म हो जाएगी और नुकसान आरसीबी को होगा। जहां तक सीएसके की बात है तो ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने इस सीजन में मिला जुला प्रदर्शन किया है। सीएसके को अब तक 13 लीग मैचों में 7 में जीत मिली। दूसरी ओर आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही थी। उसने अपने पहले 8 मैचों में से 7 में हार का सामना किया। हालांकि फैफ डुप्लेसी की अगुवाई वाली टीम ने लगातार 5 जीत के साथ शानदार वापसी की है और पॉइंट्स टेबल पर मध्य स्थान पर है। आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सीएसके को 18 रन से हराना होगा या फिर 18.1 ओवर के भीतर लक्ष्य को हासिल करना होगा। इससे आरसीबी को सीएसके के नेट रन रेट को पार करने में मदद मिलेगी।